गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। आज का वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। उससे पहले एक बार को हम कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल का मार्केट बहुत ही जो है गिरावट के साथ बंद हुआ है इंडियन मार्केट्स, और जो भी एक दिन पहले के डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की इंडिया ने खुशियाँ मनाई थी, सारी खुशियाँ जो है कल गम में बदल गई। और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा सा प्राइस एंड एक्शन हमको देखने को मिला, जो कि अभी हम आगे भी देखेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल आज का वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग नोट के साथ जो है आज वर्ल्ड मार्केट्स क्लोज हुए हैं, चाहे वो यूएस मार्केट्स हों, यूरोपियन मार्केट्स हों, चाहे चाइनीज मार्केट्स हों। इंडियन विक्स जो है 14.94 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ इन अ कम्फर्ट जोन, 15 से थोड़ा नीचे है। क्रूड ऑयल 70 के ऊपर है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ठीक नहीं है, 72.17 पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आया है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे, 4.32 के ऊपर है, बट इसे 4 के नीचे आना चाहिए इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। पुट कॉल रेशो क्वाइट कम्फर्टेबल 0.65 पे है, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन को जो है इंडिकेट कर रहा है। इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर मैं इस वजह से भी बोलूँगा, रीज़न बिहाइंड इज कि जब एक दिन पहले, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है, जब यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सारे वर्ल्ड मार्केट्स जो है गिर रहे थे एक्सेप्ट यूएस मार्केट्स, लेकिन इंडिया बढ़ रहा था, जैसे कि जो है इंडिया में ही जो है सारा सेलिब्रेशन इंडिया और यूएस के बीच में सिमट के रह गया था। लेकिन कल जब वर्ल्ड मार्केट इंक्रीज हो रहे थे तो इंडियन मार्केट ने अपनी पूरी की पूरी जो तेज़ी एक दिन पहले की थी वो पूरी तेजी खो दी। इसके पीछे जो एक रीज़न जो दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है ही कि FIIs की कंटिन्यूस बिकवाली चल रही है, और उस कंटिन्यूस बिकवाली के चलते जो आप अभी आपके सामने ये चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट पे आप देखेंगे कि एक दिन पहले की पूरी तेजी जो है गंवा दी गई है, और पिछले हफ्ते के बॉटम लेवल पे आकर के अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को हमने कमज़ोर रखा है। वर्ल्ड मार्केट के साथ भी हम जो है चल नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में यूरोपियन मार्केट्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन हम गिरे। रीज़न उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि दिखाई दे रहा है, और चाइनीज़ मार्केट का कल का प्राइस एंड एक्शन आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन जो है प्राइस एंड एक्शन चाइनीज़ मार्केट का रहा, काफ़ी बढ़ के वो बंद हुए। क्या FIIs का पैसा डाइवर्ट हो रहा है इंडिया से? समझ में ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ्स नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारी कॉरपोरेट रिजल्ट्स जो है क्वार्टर टू के बहुत ही ख़राब आ रहे हैं, या फिर नेगेटिव मिक्स टू नेगेटिव बायस के साथ आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। आपके सामने कंटिन्यूस जो FIIs की बिकवाली दिखाई दे रही है, कल भी 4,888 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से हुई, उसके अगेंस्ट में DIIs खाली जो है 1786 करोड़ की बाइंग कर पाए, और इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशो भी जो है बेयर्स के फेवर में था, यानी कि बहुत ही गिरावट के साथ रहा, 928 शेयर्स जो है बढ़ के बंद हुए एज कम्पेयर टू 1569 शेयर्स जो कि गिर के बंद हुए। ये पूरा पूरा मार्केट का लेखा जोखा आपके सामने लेके आता है। अब ये कब जो है इक्वेशन चेंज होगी, अब ये तो मुझे लगता है FIIs ही हैं जो कि इस चीज़ को बता पाएंगे कि कब वो जो है न्यूट्रल से बाइंग, मतलब अभी तो नेगेटिव पे हैं, न्यूट्रल साइड पे हैं या फिर बाइंग साइड पे हैं, तब जाके थोड़ा सा ये इक्वेशन चेंज होने के आसार दिखाई दे सकते हैं। प्राइस एंड एक्शन में मार्केट आउटलुक में आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट आउटलुक अभी ये जो कह रहा है कि कल थोड़ा सा, कल तक जो थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा था, फिर दोबारा ये पीक से 8% की गिरावट पे आकर के खड़ा हो चुका है, और 1.16 की गिरावट के साथ, 284 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी स्पॉट लेवल कल कमज़ोर हुआ। हालांकि सपोर्ट्स हैं, बट अगर FIIs का स्ट्रेंथ नहीं मिलता है तो आई डोंट थिंक कुछ भी सिनेरियो में चेंज होने वाला है। हो सकता है फ्लैट रहे, हो सकता है आज भी गिरावट जारी रहे। चलिए देखते हैं कि ट्रेडर्स जो निफ्टी लेवल्स को ट्रेड करते हैं उन्हें कौन से लेवल्स आज के लिए जो है ध्यान में रखने चाहिए। कल का हैंडओवर है 24,281, रुकावट आने के जो चांसेस हैं वो हैं 24,520, 24,630 और 24,790 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,272, 24,205 से 192, 161 एक जंबल्ड सपोर्ट है जिसको कि कंसीडर करा जाना चाहिए आपकी तरफ से, एंड 24,068 जो है तीसरा सपोर्ट रहेगा। ट्रेड्स को जो लेने से पहले दोनों साइड ट्रेड लें और लेवल्स के आसपास ट्रेड लेना ज़रूरी है। कल का प्राइस एंड एक्शन अगर आप देखें तो कल एक जो है
मॉर्निंग में जो आपका आपको आपको स्टार्ट मिला 24,520 से लेकर के 24,272 के बीच में जो है प्राइस एंड एक्शन रहा। पहला फेज हो सकता है जहां पे कि 24,520 को एक सपोर्ट की तरह से अगर लिया होगा किसी ने तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट थोड़ी ही देर में 30 मिनट का कंसोलिडेशन 24,520 के आसपास मिला और वहां से एक शॉर्ट पोजिशन जनरेट हुई 186 पॉइंट्स की। तो ये दूसरा ट्रेड था शॉर्ट साइड पर जो लिया जा सकता था। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कल का हैंडओवर जो रहा वो रहा 52,199। रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 52,440 से 462 के आसपास, 52,665 और तीसरा रेजिस्टेंस यानी कि जहां पे सप्लाई जोन क्रिएट होगा 52,739 के आसपास। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,954 से 927, 51,105 से 51,014 और 50,846 के ऊपर। लेवल्स के आसपास ट्रेड करें प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। कल का बैंक निफ्टी का जो प्राइस एंड एक्शन और जो अपॉर्चुनिटीज थी ट्रेड की वो किस तरीके से रही, कल जो मार्केट का पूरा जो प्राइस एंड एक्शन रहा वो रहा जो हमने लेवल्स दिए थे 52,665, 52,462 से 440 और 51,954 से हल्का सा ऊपर की साइड में, ये पूरा जो एरिया रहा यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस एंड एक्शन चला। और बैंक निफ्टी का प्राइस एंड एक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है सिचुएशन मोर और लेस उसी तरीके की रही, और यहाँ पे भी अगर पहला ट्रेड लॉन्ग साइड पे लिया जाता अराउंड 52,440 के आसपास तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता था, लेकिन फिर उसके बाद 30 मिनट का कंसोलिडेशन 52,440 के लेवल के नीचे रहा और वहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बना और जिसने कि 383 यानी कि 383 पॉइंट का डाउन साइड जो है एक मोमेंटम दिया और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो सकता था आराम से। ये था कल का बैंक निफ्टी का प्राइस इन एक्शन जहाँ पे कि दो ट्रेड्स जनरेट हो सकते थे और दो में से एक ट्रेड आपके फेवर में बेहतरीन तरीके से बड़े 380-400 पॉइंट्स का आराम से आपके पास आप अपने लिए जनरेट कर सकते थे। ठीक है, आज का स्टॉक ऑफ द डे इज नेल, बिकॉज जो भी हमारा सेट क्राइटेरिया है हमारा 500 निफ्टी 500 का जो एक यूनिवर्स है उसमें से कोई भी स्टॉक आज उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके स्टॉक ऑफ द डे के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आज स्टॉक ऑफ द डे नहीं है। समटाइम्स नॉट टेकिंग ट्रेड इज ऑल्सो अ टेकिंग ट्रेड काइंड ऑफ थिंग। स्टॉक ऑफ द डे जो कल हमने आपके साथ शेयर किया था JM फाइनेंशियल, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, 2.5% जो है अपवर्ड मोमेंटम के साथ बंद हुआ और होपफुली बहुत ही जल्दी हमारा टारगेट भी अचीव होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। ट्रेडोमीटर को देखें तो निफ्टी का CAGR 12 फरवरी 2023 जब से हमने ये ट्रेडिंग आइडिया शेयर करना शुरू किया एजुकेशनल पर्पज से 18.69% पे निफ्टी का CAGR खड़ा है और मार्केट शाला के दिए हुए ट्रेडिंग आइडियाज जो शेयर किए हुए ट्रेडिंग आइडियाज थे उनका CAGR 229.35% पे खड़ा हुआ है। और इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम आपको एक इसका एक्सेल शीट जो कि फैक्ट शीट रहेगा वो भी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, मार्केट शाला के साथ सीखते रहिए बढ़ते रहिए। और मार्केट शाला को ज्वाइन करने के लिए हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे अपना इंटरेस्ट फॉर्म भरें और our team will get in touch with you. Thank you. Bye-bye.